भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की इस कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का ये प्रयास शुरू किया है। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा था कि ये जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, इसका ये द्वितीय कांड का ये जो दूसरा भाग है और इसका ये जो अनुवाद है, ये अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो इस अनुवाद में जो लिखा गया है वो ये है, बाबा साहेब बताते हैं कि जब तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति की और प्राप्ति करने के बाद वे अपने इस धम्म को व्यक्त करने के लिए अपने उन 5 परिव्राजक मित्रों के पास, जो कि इस समय सारनाथ में है, उनके पास आए हैं और वहाँ अपनी वो जो स्वीकारोक्ति है, अपना वो जो अनुभव है, अपनी जो अनुभूति है, वो अनुभूति अपने इन 5 परिव्राजक मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तथागत ने उन 5 परिव्राजकों से कहा कि भाई देखो, मेरी जो मान्यता है, मेरे धम्म की जो आधारशिला है, वो आधारशिला ये है कि मैं सबसे पहले दुख के अस्तित्व को स्वीकृत करता हूँ, उसकी स्वीकृति, और फिर उसके बाद उस दुखों से मुक्ति का उपाय, ये मेरे धम्म की आधारशिला है। अब आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। तथागत कह रहे हैं उन परिव्राजकों से, हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण जो धम्म का उपदेश करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, ये भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि जो श्रमण ब्राह्मण ये नहीं समझ पाते हैं कि इस संसार में दुख है और उन दुखों से निजात पाने का कोई उपचार है, अगर ये बात वो नहीं समझ पाते तो तथागत कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वे कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है। न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धर्म का सही अर्थ क्या है। वो ये समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में धर्म का सही अर्थ क्या है। धर्म, ये बार बार हम आपको बताते हैं कि धर्म का मतलब यहाँ जो है वो यही है कि वो मार्ग जो हमने अपना जीवन यापन करने के लिए धारण किया है। तो यहाँ वो समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में धर्म क्या है या फिर धम्म क्या है। वो लोग अपने आप को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माने, ये कोई ठीक नहीं है। फिर देखिए कि तथागत क्या कहते हैं कि तथागत की इस बात को सुनने के बाद फिर परिव्राजकों ने पूछा कि दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म का आधार है, उसके आधारशिला है, तो हमें ये बताइए कि आपका धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। बड़ा सहज और बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि यदि आपके इस मार्ग की आधारशिला ही ये है कि संसार में दुख है और दुख का विनाश करने का यदि आपने कोई मार्ग ढूंढ निकाला है, तो आप बताएं कि आपका ये जो धर्म है, आपका ये जो धम्म है, आपका ये जो मार्ग है, ये दुख का विनाश कैसे कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, बाबा साहेब लिखते हैं कि तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, हर आदमी धम्म के पथ पर चलें, हर आदमी शील के पथ पर चलें, तो
इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। देखिए, तीन स्थापनाएं हैं और बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात पवित्रता का पथ, दूसरी बात धम्म का पथ और तीसरी बात शील का पथ, यानी कि शील का मार्ग। इन तीनों पथों पर जो कोई चलेगा वो निश्चित रूप से उसके दुख का एकांतिक निरोध कर सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। ये तथागत की घोषणा है कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। अब इसी का ये तीसरा अध्याय यहां शुरू होता है। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद के द्वितीय कांड का ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग का ये तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है धम्म चक्र पवत्तन। तो आइए धम्म चक्र पवत्तन की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिख रहे हैं कि परिव्राजकों ने तब बुद्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बड़ी सामान्य सी बात कि जब परिव्राजकों ने उनसे पूछा कि भाई आपका ये जो धम्म है, ये जो धर्म है, ये कैसे दुख का विनाश कर सकता है, उसका निरोध कर सकता है, बताइए। तो फिर अब यहां से शुरू होता है कि आप अपने धर्म की व्याख्या करें और बताएं, क्योंकि तथागत ने घोषणा कर दी कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है जो दुख मुक्ति की ओर लिए चलता है। तो अब परिव्राजकों ने उनसे पूछा कि भाई आप कृपया बताएं कि वो जो आविष्कार आपने कर लिया है उसकी आप व्याख्या करें। तो बुद्ध ने इसे स्वीकार किया, इन परिव्राजकों की उस प्रार्थना को। और फिर उन्होंने कहा सबसे पहले कि पवित्रता का पथ क्या है। अब उन्होंने पवित्रता का पथ समझाना शुरू किया। तो तथागत बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहां से तथागत बुद्ध अपनी वो बात सिखा समझा रहे हैं, बता रहे हैं ये मार्ग है और ये चलने के लिए है, ये सुनने कहने के लिए बिल्कुल नहीं है, पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए कि ये आचरण का मार्ग है और इसलिए तथागत के मार्ग को आचरणशील धम्म कहा जाता है। तो देखिए कि तथागत बता रहे हैं कि कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। सबसे पहली जरूरत, संसार में ऐसे कई लोग हैं, कई लोग अधिकतम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो अच्छा जीवन यापन करें, अच्छाई की राह चले। तो तथागत कहते हैं कि जो जो ये चाहता है कि भाई उसने अच्छाई की राह चलनी है, तो वे सबसे पहले जो अच्छाई के मापदंड होते हैं, उसका जो मेजर है अच्छाई का, उसको पहले तय कर ले कि अच्छाई का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक का अच्छाई के विषय में अलग अलग मापदंड भी हो सकता है। आप भली बातें समझ रहे हैं कि हर कोई अपने अपने तरीके से अच्छाई को परिभाषित करता है। तथागत कहते हैं कि अगर कोई अच्छा बनना चाहता है तो फिर उसे ये पहले तय कर लेना चाहिए कि अच्छाई का मापदंड क्या है। तो तथागत कहते हैं कि मैंने ये मापदंड बना लिए हैं और मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार जीवन के 5 मापदंड है। पवित्रता का पथ इस समय तथागत समझा रहे हैं और वे कहते हैं कि मेरा ये जो पवित्रता का पथ है, पवित्रता का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है, इसके अच्छे जीवन के 5 मापदंड है। पहला मापदंड, किसी प्राणी की हिंसा ना करना। सबसे पहला मापदंड, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी हिंसा करे, मेरे साथ हिंसात्मक व्यवहार करें, मेरी हत्या करें। तो हिंसा
ये काया वाचा और मन तीनों से हो सकती है। तो कोई मेरे साथ हिंसात्मक व्यवहार ना करें ये मुझे अगर लगता है तो मैं अपने जीवन में अच्छा बनने के लिए पहले ये मापदंड स्वीकार कर लूं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो किसी प्राणी की हिंसा ना करना, फिर दूसरी बात चोरी ना करना, अर्थात दूसरों की चीजों को अपनी ना बना लेना। तीसरी बात व्यभिचार ना करना, जो मुझे पसंद नहीं वो किसी और के साथ नहीं करना। असत्य ना बोलना और नशीली चीजों को ग्रहण ना करना जिसके प्रमाद में फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसी नशीली चीजों के प्रमाद में फंस जाते हैं तो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भाई मैं इसे छोड़ नहीं सकता, यानी कि वो उसके प्रमाद में फंस गए। तो तथागत ने कहा कि ये जो पांच मापदंड है ये मेरे पवित्रता के पथ के मापदंड है। इस समय तथागत अपने मार्ग को परिभाषित कर रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि मैं कहता हूं, तथागत कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि हर आदमी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह इन पांच शीलों को स्वीकार करें, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धर्म के अनुसार ये पांच शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है। तथागत कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो भी अच्छा जीवन यापन करना चाहता है वो अपने जीवन में सबसे पहले इन शीलों को, ये पांच जो आधार है, इन पांच शीलों को वो अपने जीवन का मापदंड बनाए, क्योंकि अच्छाई का बुराई का माप कैसे होगा? कौन इसको डिसाइड करेगा, कौन तय करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? तो अपने जीवन के लिए इन चीजों का, इन नियमों का होना बड़ा जरूरी है। और ये मापदंड, तो फिर वे कहते हैं कि मेरे धर्म के अनुसार ये पांच शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है। और यहां से अभी तथागत अपने इस अनुभूति को यहां उन पांच परिव्राजकों के समक्ष परिभाषित कर रहे हैं। इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे लेकिन यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में जब आपसे मुलाकात होगी तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।